तो गैस कल रात को ही हम लोग को iPadOS 15 का अपडेट देखने को मिल गया था, तो मैं कल रात को ही अपडेट कर लिया था। फिर मैं जितना यूज़ किया ना, मुझे ये अपडेट इतना ज़्यादा पसंद आया ना, कितना कुछ नया नया फीचर्स आया है, गेमिंग मोड, फोकस मोड, फिर आपका जो होम स्क्रीन है वो कितना ज़्यादा स्टाइलिश हो गया पहले से। अभी एक सेपरेट ऐप लाइब्रेरी देखने को मिलता है जहाँ पे सब एप्लीकेशन हम लोग को मिलता है। लेकिन एक और चीज़ मैं बोलूँगा कि भले ही हम लोग को iOS या फिर iPadOS में, आईफोन आईपैड में, भले ही हम लोग को जितना भी सारा फीचर्स हो वो एंड्रॉयड में बहुत पहले ही देखने को मिल चुका है, और भले ही वो आईपैड में लेट में आए, लेकिन आईपैड का जो फीचर्स आता है ना वो एंड्रॉयड से बहुत ही ज़्यादा स्टेबल आता है और एक बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड आता है। लाइक एंड्रॉयड की तरह कुछ क्लीच ग्लूच नहीं रहता इतना ज़्यादा, एक बहुत ही ज़्यादा वेल ऑप्टिमाइज्ड और एक बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से आता है। एंड्रॉयड में बहुत ही ज़्यादा उसको बहुत कुछ भर के देता है, इधर कलर उधर कलर कर देता है, मतलब समझ रहे हो ना, बहुत कुछ एक साथ में दे देता है। लेकिन iOS में ये चीज़ नहीं होता, iOS में बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से दिखता है ना, तो बहुत ज़्यादा पसंद आता है। जैसे देखो मैं ये चीज़ कर रहा था, इतना ज़्यादा पसंद आ रहा था ना मुझे ये चीज़ करने में, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा डिटेल्स में बात करें ना, तो आप लोग एक सेपरेट गेमिंग मोड क्रिएट भी कर सकते हो। आपको सिंपली क्या करना है, नोटिफिकेशन को ट्रैक करना, उसके बाद फोकस में होल्ड करके रखना, फिर आप लोग के पास सेक्शन आ जाएगा डू नॉट डिस्टर्ब पर्सनल वर्क, फिर नीचे एक प्लस बटन आएगा, प्लस बटन पर जैसे ही टैप करते हो ऐसा बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएगा, गेमिंग, फिटनेस, रीडिंग, तो गेमिंग पे टैप करना, फिर यहाँ पे आके नेक्स्ट करना कि क्या क्या चीज़ें आप लोग को दिखाएगा। जैसे ही नेक्स्ट करते हो यहाँ पे सिंपली ऑप्शन आ जाता है कि कौन कौन इंसान का आप लोग कॉल एक्सेप्ट करना चाहते हो जब गेमिंग मोड एक्टिव रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट वाला सेक्शन है कि आप लोग को कौन सा एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन चाहिए जब गेमिंग मोड एक्टिव रहेगा। कोई से भी एक सेपरेट आप लोग एप्लीकेशन भी सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर पिछले जो बताया ना कि कॉल कौन कौन से इंसान का करना चाहते हो, तो वहाँ पे नाम भी सिलेक्ट कर सकते हो, बस उसी इंसान का कॉल आएगा, और यहाँ पे बस कौन सा एप्लीकेशन का अगर आप लोग सिलेक्ट करते हो तो उसी एप्लीकेशन का बस नोटिफिकेशन आएगा जब गेमिंग मोड एक्टिवेट रहेगा। फिर इसके बाद अगर आप लोग कंट्रोलर कनेक्ट करते हो अपना आईपैड के साथ, तो ऑटोमेटिकली आपका गेमिंग मोड ऑन हो जाता है, और जैसे ही यहाँ पे गेमिंग मोड ऑन हो जाता है ना, तो जितना भी सारे फीचर्स मैंने बताया वो ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएगा। फिर जैसे आप लोग यहाँ पे डन करते हो ना, फिर डन करने के बाद ऑटोमेटिक आपके पास सेटिंग्स आ जाएगा, फिर यहाँ से वो चीज़ आपको डिलीट भी कर सकते हो जो गेमिंग मोड क्रिएट किया। अगर आप लोग को वो चीज़ नहीं पसंद तो सिंपली यहाँ पर डिलीट पर क्लिक कर देना, आपका जो गेमिंग मोड आपने क्रिएट किया डिलीट हो जाएगा, फिर से सेम तरीके से अपना गेमिंग मोड को आप लोग ऐड कर सकते हो। इसके बाद जो फीचर्स मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया ना, वो है कि कॉपी एंड पेस्ट। आप लोग कोई से भी पिक्चर से या फिर नॉर्मल कोई से भी स्क्रीनशॉट लेते हो ना, तो वहाँ से आप लोग कोई से भी चीज़ को कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ये जो फीचर्स है ना, ये एंड्रॉयड में बहुत पहले आ गया था, लाइक गूगल लेंस वगैरह में आप लोग कर सकते हो ये चीज़, लेकिन ये एप्पल में पहली बार दिया है ऑफिशियली। लाइक पहले आप लोग कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से एवरनोट वगैरह से ये चीज़ कर सकते थे, लेकिन अभी ये एप्पल का फोटोज से ही ये चीज़ हो जाएगा। और आप लोग देख रहे हो ना मेरा सेंसिविटी, वहाँ से भी मैं टेक्स्ट कॉपी कर सकता हूँ, और इवन बस ये चीज़ ऐसा नहीं है कि मैं अभी स्क्रीनशॉट से कॉपी कर सकता हूँ, नहीं, आप लोग कोई से भी अगर पिक्चर क्लिक करते हैं ना, वहाँ भी अगर टेक्स्ट है तो सिंपली वहाँ पर टैप करके रखना और आप लोग वहाँ से कॉपी कर सकते हो। तो ये जो फीचर्स है ये एप्पल वाले ने ऑफिशियली बहुत लेट में दिया है, बट जितना भी लेट में दिया ना, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम करता है और बहुत ही ज़्यादा ईजी टू यूज़ है। तो ये फीचर्स मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। तो फिर इसके बाद वाला जो फीचर्स है ना, ये हर एक स्टूडेंट को, या फिर अगर मेरे जैसा कोई बंदा जो यूट्यूब में कंटेंट बनाता है और दिन भर बस आईपैड में वेब ब्राउजिंग करते रहता है, तो वो लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। क्योंकि आप लोग क्या होता है, ब्राउजिंग करते टाइम बहुत ही अच्छा अच्छा चीज़ें हम लोग को दिख जाता है, जिसका हम लोग को लिंक सेव करना होता है, या फिर कोई भी सभी अगर अच्छा दिख जाता है न्यूज़, तो उसको अगर बुलेट पॉइंट में हम लोग अगर सेव करना चाहते हैं और बाद में जाकर अगर उस चीज़ को पढ़ के ईजिली समझ आ जाएगा, या फिर ईजिली उस वेबसाइट का लिंक खोल के डायरेक्ट हम लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं, तो नोट बनाने के लिए ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आप लोगों को क्या करना है, आपका जो होम स्क्रीन है वहाँ का राइट वाला जो बॉटम कॉर्नर है वहाँ से बस ड्रैग करना है और ये नोट ईजिली आपके सामने पॉपअप हो जाएगा। तो जैसे मैं सिंपली सोचो कि मैं कोई वेब ब्राउजिंग कर रहा हूँ, तो जैसे मेरे सामने ये वाला वेबसाइट खुला, तो एक बहुत ही ज़्यादा मेरे पास एक अच्छा न्यूज़ देखा, तो मुझे लिख के रखना है, ठीक है। तो क्या करूँगा, मैं सिंपली मेरा नोट पैड खोलूँगा, फिर वहाँ से मैं अपना जो नोट्स रहेगा वो अपना आराम से लिख दूंगा। जैसे अगर आपके पास एप्पल पेंसिल रहेगा तो उससे भी लिख सकते हो, मैं सिंपली मेरे फिंगर से लिख देता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है। ये वाला जो फीचर्स है ना, वो बहुत ही ज़्यादा पर्सनली मुझे पसंद है, क्योंकि मैं दिन भर वेब ब्राउजिंग करते रहता हूँ, तो मेरे पास बहुत सारा न्यूज़ रहता है, लेकिन मैं सेव नहीं कर पाता, मैं बस स्क्रीनशॉट लेके पहले रख देता था, या फिर अगर सेपरेट जाके नोटपैड में लिखना पड़ता था। लेकिन अभी मैं ऐसे ही नोट बना के उसका लिंक सेव करके रख दूंगा, फिर बाद में जाके वहाँ से पढ़ सकता हूँ। तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ये अच्छा फीचर्स है। और इसके साथ भी ना और भी बहुत सारे फीचर्स आए हैं आईपैड में, आप लोग अगर एक्सप्लोर करोगे तो पता चल जाएगा, लेकिन पर्सनली एज ए गेमर मुझे यही सब फीचर्स मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो मुझे लगा कि मैं आप लोग
के साथ शेयर कर देता हूँ और आप लोग खुद ये सब फीचर्स अपना आईपैड में देख सकते हो। अगर आप लोग आईपैड मिनी 6 परचेस करोगे या फिर आईपैड 9 जन परचेस करोगे तो वहाँ पे तो प्री इंस्टॉल पहले से आईपैड ओएस 15 आ जाएगा। मुझे अगर आप लोग सपोर्ट करना चाहते हो ना तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, उससे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल जाएगा। और अगर इस वीडियो को अगर आप लोग अभी तक देख रहे हो तो राइट साइड वाला वीडियो को क्लिक करके आप लोग देख सकते हो आईपैड मिनी 6 और आईपैड 9 जन, इन दो आईपैड में से कौन सा आईपैड हम लोग को परचेस करना चाहिए। और लेफ्ट साइड वाला वीडियो को क्लिक करके आप लोग देख सकते हो आईपैड एयर 4 और आईपैड मिनी 6, ये दो डिवाइस में से कौन सा डिवाइस हम लोग को परचेस करना चाहिए। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, मिलते कल वाला वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।